तुम्हारे पास एक पीडीएफ फाइल है, हमें इस पीडीएफ फाइल के अंदर लिंक बनाना है। लिंक कोई भी हो, इंटरनल एक्सटर्नल। तो हम लिंक कैसे बनाते हैं, क्या है तरीका पीडीएफ फाइल के अंदर लिंक बनाने का, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीडीएफ फाइल को क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर लिंक बनाने के लिए हम अपनी इस पीडीएफ फाइल को एमएस वर्ड में क्रिएट करेंगे, क्योंकि दोस्तों पेड वर्जन में एडिटर के फंक्शन फीचर हमें ज़्यादा मिलते हैं लेकिन फ्री वर्जन में नहीं मिल पाते, तो हम एमएस वर्ड की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। यहाँ पर हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट का नाम ilovepdf.com एंड यहाँ पर आपको टूल मिलेगा पीडीएफ टू वर्ड, ये है, इसे आप ओपन करेंगे। इसके द्वारा आप अपने पीडीएफ को पहले वर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है इजीली कन्वर्ट योर पीडीएफ फाइल इनटू इजी टू एडिट डॉक एंड डॉक्स डॉक्यूमेंट, द कन्वर्टेड वर्ड डॉक्यूमेंट इज ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट। ठीक है, तो फ्री में काम करेगा ये टूल, आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ टू वर्ड टूल पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आप अपने पीडीएफ को गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स से अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिलेक्ट पीडीएफ फाइल्स पर क्लिक करके डायरेक्ट कंप्यूटर लैपटॉप से अपलोड करते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप, इसे हम पीडीएफ फाइल को अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद कन्वर्ट टू वर्ड ऑप्शन आएगा बटन, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी पीडीएफ फाइल। तो पीडीएफ फाइल वर्ड में कन्वर्ट होने के बाद हम डाउनलोड कर लेंगे अपने वर्ड फाइल को। देखिए यहाँ पर वर्ड फाइल डाउनलोड हो चुकी। अब ये वर्ड फाइल आपको कंप्यूटर लैपटॉप के डाउनलोड वाले फोल्डर में मिलेगी। ठीक है, तो हम दिस पीसी में जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड वाला फोल्डर ये और ये है। हम इस वर्ड फाइल को ओपन करेंगे एंड इनेबल एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किस एरिया में लिंक बनाना है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ इसके बीच में बन जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओपन दिज वेबसाइट। ठीक है, हम एक वेबसाइट का लिंक बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट, इंसर्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एड्रेस डालेंगे लिंक का। ठीक है, और यहाँ टेक्स्ट, तो हम यहाँ पर पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी नीचे डाल देते हैं, कॉपी नहीं करते। ठीक है, यहीं डाल देते हैं लिंक। तो अब आएंगे गूगल में, कौन सी वेबसाइट का लिंक डालना है उससे आप ओपन करेंगे। मैं डाल देता हूँ basiccomputerhindi.com, मैं इस वेबसाइट का लिंक डालूंगा, इसको URL को कॉपी करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मिनिमाइज करके यहाँ पर एड्रेस में उस वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, ये लिंक हमने डाल दिया। ठीक है, टेक्स्ट डिस्प्ले में हम डाल देंगे बेसिक कंप्यूटर हिंदी। ठीक है, एंड ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये लिंक बन गया एंड यहाँ पर ऊपर जाएंगे, इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जैसे। ठीक है, इतना ही बड़ा करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों फाइल लिंक बनाना है आपको तो वो भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको इंटरनल लिंक बनाना है, सिंपल से नीचे आएंगे, हम यहाँ पर फाइल लिंक बना देते हैं। फिर से हम लिंक पर जाएंगे, यहाँ पर हम किस फाइल का लिंक बनाना चाहते हैं उसका एड्रेस डालेंगे, यानी कि पाथ। तो हम डालना, हम बनाना चाहते हैं, हम जाएंगे यहाँ पर डेस्कटॉप पर, यहाँ पर हम चाहते हैं ये है जनरल एलिमेंटर, ये फाइल का लिंक बन जाए। ठीक है, इस पर सिलेक्ट करेंगे और एड्रेस आ गया एंड यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते, ये बन गया फाइल लिंक। ठीक है, एंड इनको सेंटर कर देते हैं। ओके, अब हमारा ये काम हो गया है, अब इसको आप पीडीएफ फाइल बना लीजिए। ठीक है, मैं दो तरीके से बताऊंगा पीडीएफ फाइल बनाने का। तो पहले हम इसको सेव कर देते फाइल को, यहाँ से ये है सेव का बटन, इस पर क्लिक करके सेव कर दी फाइल। अब जाएंगे फाइल में एंड यहाँ सेविस, यहाँ पर है डेस्कटॉप एंड यहाँ पर डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वर्ड फाइल, ठीक है, विद लिंक। ओके, हम ये डाल देते हैं नेम पहचान के लिए, सेव इस टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड सेव पे क्लिक करके इसकी ये पीडीएफ बन चुकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ आ चुकी है। ठीक है, अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगी, ये देखिए खुल गई है ना। अगर दोस्तों यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर पीडीएफ फाइल बनाने का कोई फंक्शन फीचर नहीं है तो उसके लिए फिर से आपको गूगल क्रोम में खोल लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप आएंगे और इस आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप एक टूल मिलेगा
वर्ड टू पीडीएफ का, ठीक है। इस टूल को ओपन करें, जैसे कि मेक डॉक एंड डॉक्स फाइल्स इजी टू रीड बाय कन्वर्टिंग देम टू पीडीएफ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस टूल को इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वर्ड के अंदर पीडीएफ बनाने का कोई फंक्शन नहीं है और हमें पीडीएफ चाहिए, है ना। तो हम इस टूल के द्वारा अपनी वर्ड फाइल को पीडीएफ बनाएंगे जिसमें हमने लिंक बनाया है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ से फाइल को अपलोड करेंगे। फाइल थी कहाँ पर, फाइल थी ये, एंड यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। एंड यहाँ कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, एंड डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमें मिली कंप्यूटर लैपटॉप को डाउनलोड वाले फोल्डर में, इसको हम उठा देते हैं सब चीज़ों को। एंड यहाँ पर दिस पीसी डाउनलोड वाला फोल्डर, ये है हमारी पीडीएफ। अब हम इसको ओपन करेंगे, हमें इसके अंदर लिंक डाला हुआ मिलेगा जो हमने डाला है, ये देखिए, है ना, ये देखिए दोनों लिंक मिल गए, है ना। तो इस तरह से आप पीडीएफ फाइल के अंदर लिंक को क्रिएट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से इस तरीके से। बस पहले पीडीएफ को वर्ड बनाएं, वर्ड में लिंक या हाइपर लिंक का यूज करें और फिर वर्ड को पीडीएफ बना दें, है ना, बड़ा ही आसान तरीका है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।